दोस्तों, मैं हूं संचना और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल अव्यूत अकेडमी में। मैं उम्मीद करती हूं कि अब तक जो भी जॉब मैंने आप तक पहुंचाई हैं तो आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा उन जॉब से, और आपने कुछ जॉब्स तो ज्वाइन भी कर ली होंगी। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये जॉब सीरीज़ होम बेस्ड जॉब्स की जो हैं वो कैसी लगी। तो चलिए आज भी बात करेंगे हम यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, फॉर्म फिलिंग की, जो भी घर में बैठ के आप विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के कमा सकते हो उन जॉब्स। तो दोस्तों चलिए पहली जॉब की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो जॉब है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। और अब हम कंपनी प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हुए बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की। तो रिफ्रेश आइस स्कोप है, और एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स टू 4 ईयर्स है। तो जो जॉब सीकर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सैलरी की बात करते हैं हम तो 1.5 लाख मिनिमम और मैक्सिमम 6 लाख पर ईयर है। लोकेशन की अगर हम बात करें आगे तो मदुरई, इदुकी और चेन्नई है। आप कहीं से भी, वैसे तो ओवरऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, बस शायद कंपनी जो रेफ़र करेगी वो यहाँ के लोगों को पहले रेफ़र करेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप घर बैठे आराम से काम कर सकते हो, आप 700 से 1200 रुपये कमा सकते हो पर डे, और मंथली आप अर्न कर सकते हो 15,000 मिनिमम और मैक्सिमम 50,000। और आप, ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, क्योंकि इसमें ना तो टारगेट है ना कोई लिमिट है, बस आपके पास लैपटॉप और एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, बस इसी की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत ईजी है आपके लिए, अगर आप ये जॉब चुनते हो तो आप आराम से काम कर पाओगे। वही अगर हम जॉब इन्फो की बात करें तो डिपार्टमेंट आपका रहेगा डाटा एंट्री, और इंडस्ट्री आपकी रहेगी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। और आगे हम एजुकेशन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे 10th और 12th पास की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो भी आप मत घबराइए, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। और की स्किल्स की अगर हम बात करें तो आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, बैक ऑफिस का आपको काम दिया जाएगा, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर रहोगे आप, एमएस ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए अब हम दूसरी जॉब की बात करते हैं, जो कि ऑनलाइन टाइपिंग की है, और कंपनी प्रोफाइल है वो है सॉफ्टमैन सॉल्यूशंस। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स टू 1 ईयर्स है। तो फ्रेशर्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ अप्लाई करने के लिए। वहीं बात करें सैलरी की तो 1.5 लाख मिनिमम और मैक्सिमम है 4.5 लाख पर ईयर। लोकेशन जो रहेगी वो बैंगलोर, नोएडा, चेन्नई, अदरवाइज आप ओवरऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब के लिए, डाटा एंट्री की जॉब के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कहाँ रहते हो और कहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। वहीं जॉब डिस्क्रिप्शन की हम आगे बढ़ के बात करते हैं तो ये पार्ट टाइम जॉब है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन डाटा एंट्री की टाइपिंग वर्क भी कर सकते हो, फॉर्म फिलिंग की जॉब भी अवेलेबल है, कॉपी पेस्ट की जॉब भी अवेलेबल है, और SMS सेंडिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर, साथ ही डाटा एंट्री टाइपिस्ट की जॉब भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का आपका काम रहेगा, साथ ही आप कंप्यूटर ऑपरेटर रहोगे। वहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और आपका अंदर एक अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए। आप किसी भी जगह से काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। साथ ही आप महीने में कमा सकते हो 13,500 मिनिमम, 500 मिनिमम, और साथ ही 26,700 मैक्सिमम पर मंथ। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस कंपनी की वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि है www.gvlinefosoft.com। तो दोस्तों आगे बढ़ते हो, मैं जॉब इन्फो की बात करना चाहूँगी। तो जो जॉब टाइप है वो पार्ट टाइम है, डिपार्टमेंट आपका बैक ऑफिस रहेगा, ऑपरेशंस रहेगा, कस्टमर सर्विसेज रहेगा। वह इंडस्ट्री की बात करूँ तो BPO और कॉल सेंटर, और साथ ही एजुकेशन की बात करूँ तो अगर आप 10th पास हो या आप 10th पढ़ते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और इससे पैसे कमा सकते हो। अगर आप 12th पास हो और अभी आप ओपन से कर रहे हो या कॉलेज जाने की तैयारी करने वाले हो तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप कहीं से भी इस जॉब को कर सकते हो। ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, अंडर पोस्ट ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो कोई एजुकेशन, कोई आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। की स्किल्स की बात करते हैं हम आगे तो कंप्यूटर ऑपरेट आपको करना आना चाहिए, बैक ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे डाटा एंट्री का वर्क मिलने वाला है, MS ऑफिस की आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। आज बात करते हैं कि डाटा एंट्री जॉब के लिए आपकी लैंग्वेज नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। वैसे तो दोनों भाषाएं अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। डाटा टाइपिंग करने के लिए आपकी थोड़ा लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही क्योंकि सामने वाला आपको सुनकर डाटा एंट्री टाइप करने का को बोल सकता है,
या बोलेगा, अगर आपकी हिंदी टाइपिंग अच्छी है, आपको कुछ डाटा ऐसा मिल जाए जिसमें हिंदी और इंग्लिश के शब्दों को कंबाइन यूज़ करना है, इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम जॉब की। जो तीसरी जॉब है वो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। तो आप घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे पैसे कमा सकते हो, उसके लिए आपको इन जॉब्स के अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप आराम से 2 से 3 घंटे जब आप घर में फ्री रहते हो, खासकर की हाउस वाइफ्स, तो वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है, वो ज़्यादा टाइम देना चाहता है, तो वो आराम से टाइम दे जा सकता है। तो कंपनी प्रोफाइल में जो कंपनी है वो है एसर एक्सपर्ट सर्विसेज। एक्सपीरियंस जो है वो है आपका मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 6 ईयर्स। लोकेशन आपकी रहेगी दिल्ली, और आप अदरवाइज ओवरऑल स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टेट से, यानी कि इंडिया से। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही MS वर्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए, पावर पॉइंट या इंटरनेट सर्फिंग की, और आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बस इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो जॉब इन्फो की तरफ बढ़ते हैं। तो डिपार्टमेंट आपका रहेगा सेल्स या BD का। इंडस्ट्रियल आपकी रहेगी रिक्रूटमेंट सर्विसेज। और एजुकेशन की बात करें, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, तब भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज 10th 12th पास हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। की स्किल्स की हम बात करते हैं आगे। तो कंप्यूटर ऑपरेटर आपको करना आना चाहिए, बैक ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आप अच्छी कर सकते हो या आपकी है ऑलरेडी तो और भी सही है। MS ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर रहोगे। तो दोस्तों, अब हम चौथी जॉब की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन में हाउसवाइफ जो है उनको टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, या फिर कुछ को मिल भी पा रहा होगा, जिनके हस्बैंड हेल्प कर पा रहे होंगे उनको काम करने में, तो उनके पास अपनी पहचान बनाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। और जो ज़्यादा काम करती हैं उनके पास आई होप 2 से 3 घंटे तो होंगे ही, ताकि वो इन जॉब्स को करके अपना खुद की इनकम बना करके अपने अकॉर्डिंग जी सके। तो चलिए, आप कंपनी प्रोफाइल की बात करते हैं आगे दोस्तों। तो ARG श्री राधे सर्विसेज। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे फ्रेशर्स मिनिमम है और मैक्सिमम 1 ईयर है, और लोकेशन आपकी रहेगी नोएडा, बट आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो ओवरऑल इंडिया से। जॉब डिस्क्रिप्शन की हम बात करें आगे, तो यहाँ पे जो है डाटा एंट्री, टाइपिंग स्पीड और कम्युनिकेशन स्किल्स, डाटा प्रोसेसिंग, ये काम होना चाहिए। लेकिन जो पर्सन है जो अप्लाई करेगा, यानी कि कैंडिडेट, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और जो फ्रेशर्स हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, अब जॉब इन्फो की बात करते हैं दोस्तों। तो डिपार्टमेंट आपका रहेगा जनरल अदर सॉफ्टवेयर। इंडस्ट्री आपकी रहेगी रिक्रूटमेंट सर्विसेज। स्किल आपका रहेगा कम्युनिकेशन, टाइपिंग और डाटा एंट्री। एजुकेशन की हम आगे बात करते हैं बल्कि, तो अगर आप 10th 12th पास हो तो भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तब भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट या नहीं है। की स्किल्स की बात करें तो आप बैक ऑफिस का काम करोगे, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, आप कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेंगे, डाटा टाइप आपको करना आना चाहिए। चलिए दोस्तों, पांचवी जॉब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कंप्यूटर टाइपिंग ऑपरेटर की है। यहाँ पे जो कि आप फ्रीलैंसिंग वर्क करते हैं, आप खुद के बॉस होते हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे अगर आप इन जॉब्स के साथ काम करते हो, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं होता, कोई बॉस क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा वो नहीं होता, बस टाइमली अपना काम डेली पूरा करके आपको देना होता है। तो इससे अच्छी चीज़ क्या होगी लाइफ में। तो कंपनी की बात करते हैं अब आगे, कंपनी प्रोफाइल की, जैसे कि मैं आपको बताने जा रही थी। तो टैलेंट कॉर्नर HR सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स 2-4 ईयर्स है, यानी कि जो फ्रेशर्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा चांस दिया गया है यहाँ पे। सैलरी पैकेज की बात करूँ तो 1.1 लाख मिनिमम और मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर, और साथ ही लोकेशन जयपुर, पुणे, मुंबई सिटी रहेगा, जो कि कंपनी प्रेफर करेगी। अदरवाइज आप पूरे इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे दोस्तों। कंपनी जो है वो ढूंढ रही है एक एक्सपीरियंस्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल्स कोऑर्डिनेटर को, जो नेसेसरी सपोर्ट कर सके सेल्स टीम को, और जो कि सक्सेसफुल कैंडिडेट हो। अगर फ्रेशर है तो उसको सक्सेसफुल होना चाहिए, वो अपने आप को प्रूव करेगा यहाँ पे, जो शेड्यूल करेगा और फीडबैक लेगा, डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन भी लेगा, जो गोल्स को
फुलफिल करेगा एंड टू फैकल्टीज द टीम एक्टिविटीज एज द मैक्सिमम देयर। तो टीम की एक्टिविटीज पे नज़र रखेगा एंड वो हमारी कंपनी की लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट भी करेगा, उसकी परफॉर्मेंस सॉलिड होनी चाहिए। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हो, जॉब इन्फो की बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट आपका रहेगा सेल्स बीडी और सेल्स सपोर्ट MIS, और इंडस्ट्री आपकी रहेगी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। एजुकेशन में आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये फ्रीलैंसिंग जॉब है। तो 10th पास हैं 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी रीज़न से अगर आपने स्कूल छोड़ दिया है, आप ओपन से 10th या 12th कर रहे हैं, तब भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं और मे बी आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप घर बैठे काम कर रहे हैं। तो की स्किल्स की बात करते हैं तो आपको इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, बैक ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए। MS ऑफिस में आपके पास जो है वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, पावर पॉइंट की और एक्सेल की। तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर रहेंगे आप, तो मे बी आपको ये जॉब्स बहुत अच्छी लगी होंगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी रही होंगी, 5 जिनसे आपको आगे जाके आपका फ्यूचर भी बन सकता है, आप घर बैठे फ्रीलांस वर्क करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके माइंड में आ रही होगी कि मैं अप्लाई कहाँ से करूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से क्लिक करके shine.com पे जा करके इन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना है ताकि आपको हमारी वीडियो की न्यू अपडेट्स मिल सकें। और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपके दोस्तों के पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होंगी घर बैठे काम करने की बिना किसी इन्वेस्टमेंट।